चमोली के पोखरी नगर की महिला पुरुषों ने वद्री विधायक राजेंद्र भंडारी की मौजूदगी में तहसील प्रांगण में धरना दिया है। आपको बताते चलें कि नगर पंचायत पोखरी ने कूड़ा डंपिंग जोन के बीते वह टेंडर लगाए थे जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज की थी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उस भूमि पर 6000 पेड़ हैं और उसी स्थान पर सस्मान घाट भी है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने माननीय न्यायालय में रिट दायर की थी और अभी भी ये मामला न्यायालय में चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी नगर पंचायत पोखरी ने फिर से उस स्थान पर कूड़ा डंपिंग के लिए निविदा आमंत्रित की है, जिसके विरोध में गुनियाला नगरवासियों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। जो हमारा ये नगर पंचायत जो है वहाँ जानबूझ के कूड़ा जो बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उसके विरोध के प्रति हम सब ग्राम गुनियाला के महिलाएं से और सभी युवा बुजुर्ग सभी लोग आए हैं। गांव वालों की सहमति पे तो होगा, जब गांव वाले कोई चाह ही नहीं रहे हैं तो जोर जबरदस्ती है क्या कि कोई जबरदस्ती बना देगा किसी की सीमा में? सीमा का मालिक तो गांव वाले हैं और गांव वालों की इजाजत के बिना, फॉरेस्ट की रिकमेंडेशन के बिना कोई कैसे बना सकता है? मेरे को एक ज्ञापन दिया गया है अभी ग्रामीणों के द्वारा माननीय विधायक जी की उपस्थिति में, जिसमें ये कहा गया है कि नगर पंचायत पोखरी के द्वारा जहाँ पर डंपिंग जोन बनाया जा रहा है, कूड़ा डंपिंग जोन, और उस पर जो है ग्रामीणों को आपत्ति है। और साथ में उनका ये भी कहना है कि अभी तक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा भी अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, तो इसका पूरा जो है इसकी जांच करके संबंधित को निर्देशित किया जाए।